नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हमारे देश में आयोजित होने वाली सबसे कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ज़बरदस्त कंपटीशन करने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र दूर दूर से अपने शहरों को छोड़कर दिल्ली इलाहाबाद स्थित कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं और अपने विषय के अनुसार तैयारी करते हैं। वे इस देश के भूत भविष्य वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब छात्रों के गार्जियन द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसे किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के विचारधारा को प्रसारित करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बातचीत कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ मुड़ रही है। बात यहाँ विजन आईएएस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका की हो रही है, जिनके वायरल वीडियो से यह जाहिर हो रहा है कि उनका ध्यान पढ़ाने पर कम, किसी खास विचारधारा को छात्रों के दिमाग में इंजेक्ट करने का ज़्यादा है। आप ही बताइए, छात्र जब आपके पास पढ़ने जाते हैं, वे समझने जाते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, हमारे देश का भूगोल क्या कहता है, लेकिन आप उसे यह सब बताने के बजाय ये समझाने की कोशिश करते हैं कि औरंगजेब का कार्यकाल तो बढ़िया था, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार जायज़ था, हिजाब और बुर्का तो सोशल प्राइड है। सवाल यह है कि आपको क्या ज़रूरत है ये समझाना कि हिंदू धर्म खराब है, इस्लाम अच्छा है। आपका जो काम है वो तो आप कर ही नहीं रही हैं, उल्टे आप और भी दिमागों को जटिल बनाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि ये शिक्षिका विजन आईएएस में यूपीएससी छात्रों को परीक्षा की तैयारी करवाती हैं और इनका नाम स्मृति शाह है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर इनका झुकाव वामपंथ की तरफ है और मौजूदा भाजपा सरकार से इन्हें नफरत है। चलिए, मान भी लिया कि आपको भाजपा की सरकार नापसंद है, तो उसको आप व्यक्तिगत रूप से रखें। वर्ग में छात्रों को पढ़ाते समय आपको सिलेबस खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय आप अपनी विचारधारा फैलाने में मशगूल हैं। इसी बात से आहत होकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने स्मृति शाह को निशाने पर लेते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह हिंदुओं के खिलाफ पूरी तरह से नफरत फैलाना है और कश्मीरी हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार को बेशर्मी से जायज़ ठहराना है। यूपीएससी की तैयारी के नाम पर यह जिहाद की ट्रेनिंग है, यह आपराधिक कृत्य है और इसे कानून द्वारा दंडित करने की आवश्यकता है। तो हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।